लेट्स गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22, 2019 का PYQ है ये. एन आइडियल गैस इज इंक्लोज इन अ सिलेंडर एट प्रेशर ऑफ 2 ATM एंड टेम्परेचर 300 केल्विन. द मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज 6×10⁻¹ सेकेंड. सॉरी सेकेंड्स. इफ द प्रेशर इज डबल, तो 2 ATM को 4 ATM कर दिया आपने, प्रेशर डबल कर दिया. एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 500 केल्विन, तो 300 का 500 कर दिया आपने टेम्परेचर. द मेन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विल बी क्लोज टू. अब ऐसा है कि मेन टाइम ये आपके थियरी क्लासेस में कवर नहीं होता है, स्टेट बोर्ड में मतलब, तो लेकिन मेन फ्री पाथ होता है. तो मेन फ्री पाथ का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो मेन फ्री टाइम का फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा. वॉट इज मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला? 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, वेयर दिस स्मॉल एन इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल एन बाई वी. दिस इज मेन फ्री पाथ, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एवरेज डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल. मैं वापस बता देता हूँ जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट बाय नाउ. तो सपोज सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सम मॉलिक्यूल, उसका पहला कोलिजन हुआ, उसके बाद यहाँ पर दूसरा कोलिजन हुआ, तो दिस डिस्टेंस इज लैमड़ा वन. फिर इसके बाद कोलिजन हुआ, दिस डिस्टेंस इज लैमड़ा टू, लैमड़ा थ्री. तो अगर आप देख रहे हो तो एक सिंगल मॉलिक्यूल हर दो कोलिजन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है. तो फ्री पाथ इज डिफरेंट डिफरेंट. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज ले लेते हैं, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ. दिस इज मीन फ्री पाथ. देन यू शुड नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस, मतलब व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन लैम्ब्डा बाय टाइम. तो जो टी है इसको बोलते हो मीन फ्री टाइम, और नॉर्मली इसको डिनोट करते हैं टाउ से, नॉर्मली, राइट. तो जो मीन फ्री टाइम है टाउ, दैट इज बेसिकली लैम्ब्डा अपॉन वी एवरेज. अब आपको वी एवरेज भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमने वी आर एम एस, वी मोस्ट प्रोबेबल और वी एवरेज तीनों एक क्वेश्चन में देखे थे. क्या थे? वी आर एम एस इज अंडर रूट ऑफ 3 RT/m, वी मोस्ट प्रोबेबल इज अंडर रूट ऑफ 2 RT/m, एंड वी एवरेज इज अंडर रूट ऑफ 8 RT/πm. तो यू शुड नो दिस. तो वी एवरेज आपको पता होना चाहिए, वी एवरेज इज अंडर रूट ऑफ 8 πRT/m. इक्वेशन नंबर 3. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, and 3 यू विल गेट एवरेज टाइम टाउ. दिस इज एवरेज टाइम, मीन फ्री टाइम जिसको बोलते हो. लैम्डा, लैम्डा इज 1/√2 πD²n, वी एवरेज. तो वी एवरेज इज अंडर रूट ऑफ 8 RT/πm. यहां तक क्लियर? देन क्वेश्चन पहले पूरा सा अच्छे से देख लो, क्या बोला है. गैस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर एट प्रेशर ऑफ टू, प्रेशर ऑफ 2 atmosphere, टेम्परेचर 300 केल्विन. तो पहले प्रेशर 2 था, टेम्परेचर 300 था, और एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज 6×10⁻¹. अब प्रेशर को डबल कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो व्हाट इज न्यू टाइम, मतलब आपको रिलेशन चाहिए बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एवरेज टाइम. टेम्परेचर, प्रेशर एंड एवरेज टाइम. तो यहाँ टेम्परेचर तो आ गया बट प्रेशर अभी भी नहीं आया, तो लाते हैं प्रेशर को. तो टाउ इक्वल टू 1/√2 πD². ये जो स्मॉल एन होता है ना, ये एन बाई वी होता है, वेयर वी इज वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो स्मॉल एन इज कैपिटल एन बाई वी. सिमिलरली अब ये जो है इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ पाई एम बाई 8 RT. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में गया. ऐसा क्लियर? पक्का क्लियर? गुड. तो अब इसके आगे प्रेशर को लाना पड़ेगा यहाँ पे. हाउ विल यू ब्रिंग प्रेशर इन दिस इक्वेशन? प्रेशर को लाना पड़ेगा इस इक्वेशन में. तो टेल मी हाउ विल यू ब्रिंग प्रेशर इन दिस इक्वेशन? यस, वी कैन राइट वॉल्यूम एज NRT/P. गुड. तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे जो वी है वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को पीवी इक्वल टू NRT से वी इक्वल टू NRT/P लिख देना. तो टाउ इक्वल टू, ये जो वी वॉल्यूम है, पीवी इक्वल टू NRT, तो वी इक्वल टू NRT/P. तो NRT/P, ओके.
अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई d² n रूट ऑफ पाई m बाय 8 RT। ऑल राइट, देन जो जो कॉन्स्टेंट्स है, अभी कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, एन आर कॉन्स्टेंट है राइट, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हुआ तो एन आर कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है। तो एवरेज टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी और अंडर रूट ऑफ 1 बाय टी, सिंपल। तो यहां से आपको मिल जाएगा प्रोपोर्शनलिटी, टी स्क्वायर अंदर जाएगा तो 1 बाय पी रूट ऑफ पी, क्योंकि टी स्क्वायर बाय पी, तो 1 पी और 1 पी हो गया कैंसल। तो दिस इज व्हाट यू शुड गेट, आइडियली ऐसा मिलना चाहिए आपको। तो एवरेज टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी बाई पी, तो टाउ टू बाई टाउ वन इक्वल टू रूट ऑफ टी टू बाई टी वन और टी वन बाई टी टू। आपको पूछा था टाउ टू, टी टू कितना दिया है 500, रूट ऑफ 500, टी वन कितना है 300, पी वन 2 और पी टू इज डबल, डबल बोला है ना, डबल बोला है यस, तो 4। और टाउ वन, टाउ वन की वैल्यू आपको दी है, कितने दी है टाउ वन, 6×10⁻⁸, 6×10⁻⁸। अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया तो टाउ टू इक्वल टू, देखो ऐसा है, 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा, इसको वहां शिफ्ट कर दो तो यू विल गेट 5/3 का रूट, 5/3 का रूट मल्टीप्लाइड बाय 3×10⁻⁸। गुड गुड, हो गया ना क्वेश्चन खत्म। ऐसा है, ये जो है इसको अंदर लेके जाओगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 1 जा और 3 3 जा, व्हाट इज 5 3 जा, 5 3 जा 15, अप्रोक्सीमेटली 16, तो अप्रोक्सीमेटली रूट ऑफ 16 इज 4, तो 4×10⁻⁸, 4×10⁻⁸, ऑप्शन नंबर बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी इफ वी हैव अ पॉइंट लेट अस से एट डेप्थ एच इनसाइड वाटर और वाटर के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो व्हाट इज प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी गुड। क्योंकि अगला क्वेश्चन मोर और लेस इज रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, अ वर्टिकल सिलेंडर, वर्टिकल क्लोज्ड सिलेंडर, ओके क्लोज्ड सिलेंडर इज सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स बाय फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ मास एम एंड ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस, ओके द पिस्टन इज फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर अबव द पिस्टन इज L1 एंड दैट बिलो द पिस्टन इज L2 सच दैट L1 इज ग्रेटर देन L2। Each part of the cylinder contains n moles of an ideal gas at equal temperature T. If the piston is stationary, its mass m will be given by, where R is universal gas constant and G is acting due to gravity. 2019 का question है, JEE mains का question है, NEET के लिए भी आ सकता है। तो पहले, first of all, पूरा question को अच्छे से analyze कर लेना। A vertical closed cylinder. वर्टिकल क्लोज सिलेंडर, तो यू हैव अ वर्टिकल क्लोज सिलेंडर, यह है वर्टिकल क्लोज सिलेंडर, इज सेपरेटेड इंटू टू पार्ट्स बाय फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ मास एम, इज सेपरेटेड इंटू टू पार्ट्स विद अ पिस्टन ऑफ मास एम एंड फ्रिक्शनलेस है। आगे बोला है उसका थिकनेस निग्लिजिबल है, ठीक है, इट इज फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो इट कैन मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, मतलब ऐसा मूव हो सकता है बेसिकली, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। उसके बाद बोला है द लेंथ ऑफ द सिलेंडर अबव द पिस्टन इज L1, लेंथ ऑफ द सिलेंडर अबव द पिस्टन इज L1 एंड दैट बिलो इज L2 एंड L1 इज ग्रेटर देन L2। ईच पार्ट ऑफ द सिलेंडर कंटेन्स n मोल्स ऑफ आइडियल गैस
तो ईच पार्ट कंटेन्स एन मोल्स, तो यहाँ पे एन मोल है तो नीचे भी एन मोल है, तो बोथ द पार्ट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एन एन एन। देन टेम्परेचर भी सेम है, तो यू हैव टेम्परेचर तो सेम, एन मोल्स टेम्परेचर टी, एन मोल्स एंड टेम्परेचर टी, गुड। देन पिस्टन स्टेशनरी है, तो व्हाट इज मास एम ऑफ द पिस्टन, तो फिलहाल मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू शो। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको क्या पूछा है, मास, मास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थ्री थिंग्स, हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो मैंने ऐसा क्यों पूछा था कि व्हाट इज द प्रेशर एट सम डेप्थ एच, आपने बोला एच रो जी प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब जिस पॉइंट पे तुम प्रेशर फाइंड करते हो, जिस पॉइंट पे तुम प्रेशर फाइंड करते हो ये होता है ड्यू टू व्हाट इज अबव इट। तो अगर मुझे सपोज इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज प्रेशर हियर, दिस इज पॉइंट पी टू, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज प्रेशर हियर, तो पी टू विल बी इक्वल टू व्हाट इज अबव दैट, हाँ एल वन रो जी, एल वन रो जी बेसिकली, मतलब प्रेशर ड्यू टू दिस कॉलम। यहाँ तक क्लियर, तो इसको पी वन बोल देते हैं फिलहाल, फिर मैं लिखता हूँ एल वन रो जी, आई राइट डाउन लेटर जस्ट से पी वन, पी वन मतलब प्रेशर ड्यू टू दिस। बट प्रेशर का एग्जैक्ट डेफिनेशन कहाँ से आता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सिर्फ गैस प्रेशर लगाएगा क्या, नहीं, ये जो पिस्टन है इसका खुद का वेट भी है, वेट, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो ये वेट क्या है, एम जी, और ये जो वेट है पर यूनिट एरिया वो क्या बन जाएगा, प्रेशर। तो पॉइंट नंबर टू पे दो प्रेशर है, एक ड्यू टू पिस्टन, पिस्टन का प्रेशर कैसे निकालोगे, फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज फोर्स ऑफ पिस्टन, एम जी अपॉन एरिया, और उसके ऊपर कौन है, पी वन, तो टोटल प्रेशर विल बी पी वन प्लस एम जी बाय ए, राइट। मैंने इसलिए बोला ना उस पॉइंट के ऊपर क्या क्या है, कौन सा फोर्स है सब देखना पड़ता है, तो उस पॉइंट के ऊपर पिस्टन है, पिस्टन का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, और वो वेट पर यूनिट एरिया है प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द गैस ड्यू टू वेट ऑफ द पिस्टन एंड प्रेशर ड्यू टू द गैस अबोव इट, तो पी वन प्लस एम जी बाई ए। इतना समझ में आ गया, तो इसके बाद सब इजी है, एक्सट्रीमली सिंपल, क्योंकि दिस वॉज द ओनली पॉइंट दैट वॉज लिटिल डिफिकल्ट। PV इक्वल टू एन आर टी, तो P इक्वल टू एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी टू, क्योंकि N और T तो सेम था, N और T यहाँ पे और N और T यहाँ पे सेम है, तो PV इक्वल टू एन आर टी, तो P इक्वल टू एन आर टी बाई वी, एन वन एन टू टी टू, लेकिन एन टू टी टू इज इक्वल टू एन टी, इक्वल टू व्हाट विल बी पी वन, एन वन आर टी वन, लेकिन एन वन और टी वन वापिस से क्या है, सेम, अपॉन वी प्लस एम जी बाय ए। देन जस्ट लाइक ओके ठीक है, लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। अभी देखो क्या है ना, कभी कभी हम डेफिनेटली यू विल बी स्टक समवेयर, नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, तो लुक एट द ऑप्शंस। आपको आर टी आर टी आर टी दिख रहा है, जी भी दिख रहा है, एल वन एल टू दिख रहा है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं तो वॉल्यूम हटाओ, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। अभी सिलेंडर तो सेम है, मतलब ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया, नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया, सब कुछ है सेम, ए, तो व्हाट विल बी वॉल्यूम हियर, ए इनटू एल टू, ए इनटू एल टू, दिस विल बी ए इनटू एल वन प्लस एम जी बाय ए। अब ए ए ए कॉमन निकाल के हो जाएगा कैंसल, वेरी गुड, आपको मिल जाएगा एन आर टी बाय एल टू, ए ए कैंसिल हो गया, माइनस एन आर टी बाय एल वन इक्वल टू एम जी हो गया। तो अब आपको मास फाइंड करना है, एन आर टी निकाल लो कॉमन, एन आर टी आ गया कॉमन, वन बाय एल टू माइनस वन बाय एल वन इक्वल टू एम जी, तो देयर फोर एन आर टी बाय जी, जी को शिफ्ट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाइड एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू इंटू एल वन इक्वल टू एम। तो देखो ऐसा है क्या, एन आर टी बाय जी, एल वन माइनस एल टू अपॉन एल वन इंटू एल टू, ऑप्शन नंबर डी, खत्म, डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन गैस एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, आर एम एस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 200 मीटर पर सेकेंड एट 127 डिग्री सेल्सियस. एट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड एट 227 डिग्री सेल्सियस द आर एम एस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी. कैसे सॉल्व करोगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस? वी आर एम एस इक्वल टू, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय एन, राइट? करेक्ट. देन इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, मतलब प्रेशर आपको सिर्फ ऐसा ही दिया हुआ है, तो दे आर जस्ट गिविंग यू प्रेशर टू कंफ्यूज यू. तो वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू रूट ऑफ टी टू बाय टी वन. तो वी टू इक्वल टू रूट ऑफ टी टू बाय टी वन इंटू वी वन. टी टू 227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 600, 500, 500, 600, जल्दी बताओ. 500. टी वन कितना है? 127, मतलब कितना? 400. वी वन, वी वन की वैल्यू भी दी थी ना, कितना दिया है वी वन? हाउ मच? 200, 200, ठीक है. तो 5/4, 5/4 मतलब रूट ऑफ 5/2, तो 100√5, 100√5 मीटर पर सेकेंड आंसर होना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन HCl मॉलिक्यूल हैज रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस. इफ द RMS वेलोसिटी ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स इन इट्स गैसियस फेज इज V बार, m इज द मास एंड kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देन इट्स टेम्परेचर विल बी. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. HCl मॉलिक्यूल हैज रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस. RMS वेलोसिटी को आपने डिनोट किया V बार से, V मीन मतलब, m इज मास एंड kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देन इट्स टेम्परेचर विल बी. तो वी आर एम एस का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एन या फिर 3 KBT बाई एन, क्योंकि आपको मास दिया है तो फिर 3 KBT बाई एम. मैंने कल ही बताया था आपको कि दो फॉर्मूलाज है, अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई कैपिटल एम, वेयर कैपिटल एम इज मॉलिक्यूलर वेट, या अंडर रूट ऑफ 3 KBT बाई एम, वेयर एम इज मास. सिर्फ वी आर एम एस को डिनोट करने के लिए क्या यूज किया? वी बार इक्वल टू रूट ऑफ 3 KBT बाय एम. आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है? टेम्परेचर पूछा है. यस, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी बार स्क्वायर इक्वल टू 3 KBT बाय एम. तो व्हाट इज टी? व्हाट इज टी? एम वी बार स्क्वायर अपॉन 3 KB. तो एम वी बार स्क्वायर अपॉन 3 KB ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर बी, और यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. सिंपल, टू सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस पासेस थ्रू अ प्रोसेस वेयर प्रेशर एंड वॉल्यूम ओबे द रिलेशन पी इक्वल टू पी जीरो, वन माइनस 1/2 वी जीरो बाय वी का स्क्वायर. हियर पी जीरो वी जीरो आर कॉन्स्टेंट्स. Calculate the change in the temperature. Calculate the change in the temperature of the gas if its volume changes from V0 to 2V0. Question ऐसा है कि हमारे पास एक गैस है, आइडियल गैस है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल है. इट अंडर गोज अ प्रोसेस विच ओबेज अ रिलेशन, ओबेज अ रिलेशन पी इक्वल टू पी जीरो इक्वल टू पी इक्वल टू P0 वन माइनस वी जीरो बाय वी का स्क्वायर. ऐसा है 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 है यहाँ पे. ओके, गुड. तो दिस इज द रिलेशन इट ओबेस. आपको बोला है कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V0 टू 2V0. अभी आप लोग ही सॉल्व करोगे इसको. तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि चेंज इन टेम्परेचर मतलब वॉट इज द फर्स्ट थॉट दैट comes into your mind when you read change in temperature. Final minus initial. Okay, very good.
तो मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज टी टू माइनस टी वन, सही है, गुड। आपके पास एक रिलेशन दिया है जो प्रेशर इक्वल टू है, और आपको पूछा है व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो हम हमको पहले टेम्परेचर का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू यू विल हैव दिस इक्वल टू एन आर टी बाई वी इक्वल टू पी जीरो वन माइनस वन बाई टू वी जीरो बाई वी का स्क्वायर। ओके, इसको शिफ्ट कर दो, तो सबको शिफ्ट करो, सिर्फ टी को यहाँ रखो, तो टी इक्वल टू पी जीरो वी अपॉन एन आर वन माइनस वन बाई टू वी जीरो बाई वी का स्क्वायर, दैट इज द आइडिया। क्लियर, गुड। अब टी वन कैसे फाइंड करोगे, देखो पी जीरो कॉन्स्टेंट है, वी जीरो भी कॉन्स्टेंट है, सिर्फ चेंज हो रहा है वॉल्यूम। इन्होंने बोला है वॉल्यूम वी जीरो से क्या हो रहा है, टू वी जीरो, मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी जीरो, तो इनिशियल टेम्परेचर में यहाँ पे क्या लिखोगे, वी जीरो, इंस्टेड ऑफ वी यू विल राइट वी जीरो अपॉन एन आर वन माइनस वन बाई टू वी जीरो बाय वी जीरो, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा वन, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस हाफ हाफ, तो टी वन आ जाएगा आपके पास टी जीरो वी जीरो अपॉन टू एन आर अपॉन टू एन आर, ये आ गया आपके पास इनिशियल टेम्परेचर। हाउ विल यू फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर, पी जीरो वी मतलब टू वी जीरो, वेरी गुड, अपॉन एन आर, सही है, वन माइनस वन बाई टू वी जीरो अपॉन टू वी जीरो का स्क्वायर, तो वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर, वन बाई फोर हो गया टू, वन बाई एट, वन माइनस वन बाई एट इज सेवन बाई एट, सेवन बाई एट, हाँ, और ये टू है, टू पी जीरो वी जीरो अपॉन एन आर और साथ में सेवन बाई एट, वन एंड फोर, तो यू विल हैव सेवन पी जीरो वी जीरो बाय फोर एन आर। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर मतलब टी टू माइनस टी वन, या फिर टी वन माइनस टी टू, जो भी है पहले चेक कर लो, सेवन बाई फोर और वहां पे वन बाई टू, विच वन इज ग्रेटर, पहला वाला 0.5 है, दूसरा वाला वन से ऊपर है, तो दोनों क्या करोगे, टी टू माइनस टी वन, बिकॉज टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर लो और यू विल गेट योर आंसर, व्हाट एवर इट इज, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, तो यू विल गेट टी टू माइनस टी वन इक्वल टू, तो डेल्टा टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, टी टू है सेवन पी जीरो वी जीरो अपॉन फोर एन आर माइनस टी जीरो वी जीरो अपॉन टू एन आर, तो जो जो निकलता है कॉमन निकाल लो, पी जीरो वी जीरो कॉमन आ गया, टू एन आर भी कॉमन आ गया, यहाँ पे सेवन रह गया, नीचे रह गया टू, क्योंकि टू ही कॉमन निकला, माइनस वन, 3.5, दिस इज 3.5, माइनस वन इज 2.5, मतलब 5/2, तो 5/2 और ये 2, 5/4, तो 5P0V0 अपॉन 4NR, ऐसा आना चाहिए, है क्या ऑप्शन नंबर। अब बोलोगे एन कहाँ गया, वन मोल ऑफ गैस है, तो एन की वैल्यू वन है, तो फॉर वन मोल ऑफ गैस यू विल गेट एन इक्वल टू वन, डन, तो फॉर एन इक्वल टू वन ऑफ कोर्स यू विल गेट 5P0V0 अपॉन 4R, लिख देता हूँ मैं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट शिफ्ट दिस लिटिल बिट ओवर हियर, गुड फाइन, तो फॉर वन मोल ऑफ गैस यू गेट डेल्टा टी इक्वल टू 5P0V0 अपॉन 4R। क्विक क्विक क्विक,
वी आर सपोज टू वाइंड दिस चैप्टर अप टूडे, आज खत्म करना है हमको, एज पर द शेड्यूल आज खत्म होना चाहिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीट क्यू इज सप्लाइड टू अ डायटॉमिक गैस ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल्स, मतलब रिजिड डायटॉमिक गैस है, मतलब सी वी इज 5R/2, सी पी इज 7R/2, गामा इज 7/5 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब सी वी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई डेल्टा टी। तो जब आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा था, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया डेल्टा टी से। द हीट सप्लाइड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एस, मुझे अब सेम चेंज प्रोड्यूस करना है इन टेम्परेचर बट कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट दिस टाइम, तो वॉट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वॉट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल, तो क्या करोगे, वॉट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट ऑफ हीट। देखो मैं आपका एक कंफ्यूजन मैं अभी क्लियर कर देता हूँ जो हमेशा रहता है। क्या होता है ना, कहीं कहीं आप लिखते हो क्यू या डी क्यू जो भी होगा, कहीं लिखते हो एन सी पी डी टी, कहीं लिखते हो एन सी वी डी टी, और फिर ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये कब एन सी पी कब एन सी वी, कन्फ्यूजन का केस ही नहीं है। वट इज फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हीट सप्लाइड डज टू थिंग्स, इट विल इधर इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस इट विल डू वर्क। आइडियली स्पीकिंग ये जो है ना, ये होता है डेल्टा यू, सॉरी नॉट दिस वन, सी वी वाला। तो आइडियली ये जो क्यू है, आइडियली स्पीकिंग ये होता है डेल्टा यू, डेल्टा यू इज एन सी पी डी टी एंड डेल्टा क्यू या क्यू इक्वल टू एन सी पी डी टी, यहाँ तक क्लियर। तो सी पी मतलब क्यू, सी वी मतलब डेल्टा यू। आगे ध्यान में, तो सी पी कब आएगा क्यू और सी वी कब आएगा डेल्टा यू, लेकिन जैसे ही इन्होंने बोला, क्या बोला, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो वर्क डन है जीरो, तो डेल्टा यू और क्यू एक ही बात है। तो जो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डी टी था, मैंने क्या लिख दिया उसको क्यू, तो देर इज नो नो कंफ्यूजन एट ऑल हियर, है ही नहीं कुछ कंफ्यूजन जैसा। तो जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो उस केस में डेल्टा यू बन जाता है क्यू, फिर हम लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी, डी टी या डेल्टा टी जो भी लिखोगे वो, यहां तक क्लियर पक्का। अब गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, दे आर टॉकिंग अबाउट रिजिड डायटॉमिक, और उन्होंने डेल्टा टी बोला है तो हम भी डेल्टा टी बोल देंगे। तो वॉट इज सी वी 5R/2 डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, बराबर है ना, रिजिड डायटॉमिक का सी वी 5R/2 ही होता है, सही है, नथिंग रॉन्ग। अब पूछा है कि अगर मुझे सेम चेंज इन टेम्परेचर चाहिए लेकिन कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, सिर्फ वहां पे क्यू बोल लिया ना, तो इसको क्यू डैश बोलो अभी, जस्ट नेम चेंज ऑफ नेम डन। तो क्यू डैश इक्वल टू एन व्हाट इज सी पी 7R/2 और साथ में आ जाएगा डेल्टा टी। अब ऐसा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं 7 को लिखता हूँ साइड में, लिखता हूँ NR/2 डेल्टा टी, कुछ नहीं किया मैंने, आई हैव जस्ट डन अ वेरी सिंपल थिंग, सिर्फ 7 को निकाल लिया बाहर, डन, सही है। यहाँ पे क्या था 5R, तो एक काम करो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, ये कौन है, कौन है, क्यू है, तो 7/5 क्यू, हो गया आंसर खत्म, ऑप्शन नंबर ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर मिक्स्ड विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टेकन टू बी रिजिड, हाइड्रोजन क्योंकि मॉलिक्यूलर होता है, पता ना H2, तो टेकन टू बी मतलब रिजिड डायटॉमिक बोला है उन्होंने, सिंपल। व्हाट इज द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, देखो आपने एक मोनोटॉमिक गैस को, हीलियम इज मोनोटॉमिक, एक डायटॉमिक गैस के साथ हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर दिया, तो व्हाट इज द मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, व्हाट इज सी वी मिक्सचर,
ऐसा पूछा है, व्हाट इज सीवी फॉर मिक्सचर। कल मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का बताया था यार, कैसे फाइंड किया था हमने, n1 f1 plus n2 f2 upon n1 plus n2। तो वही है, सिर्फ यहाँ पे ना n1 cv1 plus n2 cv2 अपॉन n1 plus n2, डन। बाकी कुछ करना ही नहीं है। n1 के 2 मोल से, 2 मोल से हीलियम के 2 मोल से मतलब, और हीलियम जो है ना वो मोनोएटॉमिक है, तो उसका 3R/2 होता है, और ये कितना है 3 मोल्स है, और ये आ जाएगा 5R/2, क्योंकि हाइड्रोजन एस रिजिड डायटॉमिक, उसका 5R/2, तो ये आ जाएगा 2 plus 3, 2 2 कैंसर, राइट। तो 3R plus 15R/2 upon 5, ठीक है, वैसा भी कर सकते हो 7.5, तो 10.5, यस 10.5R/5, तो 2.1 R। R का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 8.3, ओके ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो इट इज 2.1 into 8.3, मतलब 17 point something आएगा, 17 point something आएगा, ये 17 point something, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायटॉमिक गैस विथ रिजिड मॉलिक्यूल्स डस 10 जूल ऑफ वर्क व्हेन एक्सपेंडेड, नहीं होता है एक्सपांडेड होता है, व्हेन एक्सपेंडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, व्हाट वुड बी द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। तो डायटॉमिक गैस रिजिड रिजिड मॉलिक्यूल बोला है आपको, 10 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन एक्सपेंडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, व्हाट वुड बी द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। तो व्हाट वुड बी द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द गैस इन दिस प्रोसेस, वर्क डन दिया हुआ है, तो ओके, यू कुड हैव ऑल्सो थॉट इट इन अ डिफरेंट वे, क्यू इक्वल टू NCP∆T। सीपी तो पता ही है, रिजिड डायटोमिक गैस है, तो यू नो व्हाट इज सीपी, 7R/2 dT, सही है। तो Q इक्वल टू, तुमने जो बोला बिल्कुल सही है, बट दिस इज शॉर्टकट, 7/2 NR dT, NR dT, करेक्ट। हिंट आ गया, हिंट, दिस इज हिंट, आपको हीट ही पूछा है ना, तो मैं डायरेक्टली हीट से स्टार्ट कर लिया फिर, दिस इज हिंट फॉर यू। नहीं, PV इक्वल टू NRT, टेक डेरिवेटिव, PdV प्लस VdP, ऐसे ही करते हो ना, U एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ V, V एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ U, P एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ V, V एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ P, NR तो वैसे भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट बोला है कि नहीं, बोला है ना एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है, तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब DP इज 0, तो ये नहीं आएगा। व्हाट इज PdV, NR dT, तो therefore PdV equal to NR dT, but do you know what is PdV, work done, dW equal to NR dT, equation number 2 को equation number 1 में substitute कर दो, तो from equation number 1 and 2 you have Q equal to 7/2 NR dT is nothing but dW, and work done आपको दिया हुआ है 10 1 and 5, आंसर इज 35 जूल, 35 जूल, ऑप्शन नंबर ए, डन। तो व्हाट यू हैव सेड करो करेक्ट, व्हाट शी सेड मैं बता देता हूँ, वो भी सही था, यू नो DQ इक्वल टू DU plus DW, DW आपको दिया है, DU आप फाइंड कर दो, राइट, हाउ डू यू फाइंड आउट DU, NCV DT, बट प्रॉब्लम क्या है बता, आपको ना आपको N पता है ना आपको DT पता है, आपको सिर्फ पता है वर्क डन, तो दैट वाज द रीजन कि ये हमने वर्क डन के टर्म्स में लाया, क्योंकि तो अगर मैं यहाँ पे करता तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप पे आके मैं अटकने वाला था, दैट इज फॉर श्योर, अटक जाता यहाँ पे, फिर क्या करते, फिर वही करते जो मैंने यहाँ किया, फिर क्या करते, CV है 5R/2, कितना है 5R/2, और वर्क डन कितना है 10, तो
तो फिर आप क्या करते, 5/2 को बाहर निकालते, NRDT करते +10, फिर वापस से तो NRDT DW ही आएगा ना, आएगा कि नहीं DW? हाँ DW आएगा +10. व्हाट इज DW? 10 +10 वन जाएं 25 और 10, वही आंसर है. गुड, दिस इज बेटर वे टू डू. अगला क्वेश्चन, द प्लॉट दैट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मेन थ्री टाइम टाउ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्वालिटेटिव एस 2020 का क्वेश्चन है. क्या ही करना है तुमको, थोड़ा टाइम पहले तो हमने देखा कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, अभी देखा थोड़ा टाइम पहले, तो अगर आपको याद नहीं है तो आई विल मेक यू रिमेम्बर दैट थिंग. गोइंग बैक, गोइंग बैक, आज का शायद पहला ही क्वेश्चन था. यस, डू यू सी हियर, हियर पहला ही इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के बारे में कुछ बोला नहीं था. जो अगला जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे प्रेशर के बारे में कुछ बोला है? नहीं. प्रेशर चेंज हुआ बोला है? नहीं. यहाँ पे बोला था, यहाँ पे बोला था कि प्रेशर भी चेंज हुआ, तो हमने बाद में प्रेशर भी लाया, लेकिन जब प्रेशर बोला नहीं है तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट. और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में ये सारा का सारा कांस्टेंट है. तो मीन फ्री टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो मीन फ्री टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये पता होना चाहिए आपको. अभी मैं वो सब सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इट, तो देर इज नो पॉइंट इन रिवाइजिंग. तो मीन फ्री टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, मतलब इट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू रूट ऑफ टेम्परेचर. नाउ इफ यू लुक एट द ग्राफ, सबसे पहली चीज है ना, लुक एट द एक्सिस, टी टाउ एंड टी, नो टाउ एंड 1/√t, यस. एक काम करो, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ के इंटू 1/√t. तो ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस, ये कांस्टेंट है, और ये है आपके पास एक्स एक्सिस, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि हमारे पास एक्स क्या है? 1/√t, तो यहाँ पे क्या है? एक्स 1/√t, तो ऑप्शन नंबर बी. ये क्यों नहीं हो सकता? लुक एट व्हाट इज एक्स एक्सिस, 1/2, नहीं आ सकता. ये क्यों नहीं हो सकता? इट इज नॉट पासिंग थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन, नंबर टू इट इज नॉट 1/√t. ये क्यों नहीं हो सकता? सेम रीजन, लुक एट द एक्सिस. तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी. खत्म, डन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ एन मोल्स ऑफ हीलियम गैस एंड 2 n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, मॉलिक्यूल्स टेकन टू बी रिजिड एज एन आइडियल गैस, इट्स सीपी बाय सीवी वैल्यू विल बी. तो सीपी बाय सीवी ऑफ मिक्सचर मतलब गामा पूछा है आपको, व्हाट इज सीपी बाय सीवी? तो कल तो बताया था मैंने, याद है, गामा मिक्सचर इक्वल टू N1 γ1 upon γ1 -1 +N2 γ2 upon γ2 -1 upon N1 upon γ1 -1 +N2 upon γ2 -1. N1 आपको दिया है N, N2 आपको दिया है 2N, γ1 और γ2, गामा वन पहला गैस कौन सा था? हीलियम. हीलियम मतलब मोनोटॉमिक होता है, मतलब 5/3 होता है, और ये 7/5 होता है. इसको सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे सिंपल, तो देयरफॉर गामा मिक्सचर इक्वल टू N1 दैट इज N, γ1 दैट इज 5/3 अपॉन 5/3 -1 +N2 दैट इज 2N, गामा टू इज 7/5 अपॉन 7/5 -1 मोल अपॉन एन अपॉन 5/3 -1 +2N upon 7/5 -1. तो देयरफॉर गामा मिक्सचर इक्वल टू यह आ जाएगा 5N/3 अपॉन, व्हाट इज 5/3 -1? 2/3 +14N/5 अपॉन 2/5, 2/5 बराबर है ना, 7/5 -1 2/5, और यहाँ पर लिखोगे N अपॉन 2/3,
प्लस टू एन अपॉन टू बाय फाइव. गुड. इसे कोई सॉल्व करना है, दैट्स इट. 3355 गया गया. तो ये आपके पास बस. हाँ यस, दिस इज 5/2 एंड दैट इज 7. तो गामा मिक्सचर विल बी इक्वल टू दिस इज ठीक है 2.5 एन प्लस प्लस 7 एन अपॉन 3 एन बाई 2 मतलब 1.5 1.5 एन एंड दैट इज ऊपर गया. ये 2 2 तो हो गया कैंसिल ना, 5 एन ये हो गया कैंसिल, तो हो गया 5 एन. दिस इज 5 एन दैट इज 9.5 एन अपॉन 6.5 एन. एन एन हो गया कैंसल. 95/65 95/65 अरे 19 जा 13 जा 5 19 जा एंड 5 13 जा, तो 19/13 ऑप्शन नंबर डी. ओके तो अभी सम ऑफ द क्वेश्चंस वी विल स्किप एंड विल जंप टू वन टॉपिक व्हिच वी हैवंट टच्ड येट, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे वैसे नॉर्मली क्वेश्चंस आते कम है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है तो इट इज आवर ड्यूटी टू सॉल्व सच सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो लेट अस सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. इसके ऑप्शंस नहीं है बिकॉज़ ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के बुक में से मैंने क्वेश्चन उठा लिया है एज इट इज, सो वी डोंट हैव ऑप्शंस फॉर दिस. अ मेटल स्फीयर व्हेन सस्पेंडेड इन अ कांस्टेंट टेंपरेचर एनक्लोजर कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स एंड टू 62 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द एनक्लोजर. हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है. कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर का मतलब ये होता है कि देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स, इसलिए इसका टेम्परेचर होता है कांस्टेंट बिकॉज हीट इज नॉट अलाउड टू टू पास थ्रू. ओके इसमें एक मेटल स्पीयर है. यू हैव सम मेटल स्पीयर इन दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर. ओके अब इसका जो पहले टेम्परेचर था वो 80 था. 80 से हो गया 70 पांच मिनट में, 70 से हो गया 62 अगले पांच मिनट में. तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एनक्लोजर. एनक्लोजर का टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर. सराउंडिंग टेम्परेचर नॉर्मली हम नोट करते हैं थीटा नॉट से, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. अब जो पहले टेम्परेचर था थीटा वन जो था वो था 80 डिग्री, फिर वो हो गया थीटा टू 70 डिग्री, फिर वो हो गया थीटा थ्री दैट इज 62 डिग्री सेल्सियस. और आपको पूछा व्हाट इज सराउंडिंग टेम्परेचर. अब आपको बताना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द मतलब बॉडी एंड द सराउंडिंग. तो वेयर थीटा इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड थीटा जीरो इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. जितना ज्यादा बॉडी के टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा उतना ही फास्ट कूलिंग होगा, उतना ही फास्ट टेम्परेचर फॉल होगा. फॉर एग्जाम्पल ठंड के दिन में मैंने आपको बताया भी था इन विंटर्स नॉर्मली क्या होता है कि आप बहुत गर्म कर लेते हो पानी नहाने के लिए. जितना ज़्यादा पानी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि अगर आप सपोज उसको 80-90 डिग्री तक कर लिए गर्म, सराउंडिंग 5 डिग्री है क्योंकि विंटर्स यहाँ पे थोड़े से हमारे यहाँ पे विंटर्स कोल्डर होते हैं 5 डिग्री तक जाता है. तो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन बॉडी टेम्परेचर मतलब वाटर टेम्परेचर एंड सराउंडिंग. कहाँ 85 कहाँ 5 80 डिग्री सेल्सियस. दैट इज द रीजन कि हम तो ऐसा एडवाइज होता है कि थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी भी मिक्स करते जाओ. मतलब वॉट यूर डूइंग इज ठंडा पानी मिक्स करोगे तो 85 से बॉडी का टेम्परेचर 70 बन जाएगा, सराउंडिंग अभी भी 5 पे है तो डिफरेंस कम हो गया तो कूलिंग स्लो हो गया. तो दैट इज द बेसिक फॉर्मूला बिहाइंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के थीटा माइनस थीटा नॉट. अभी कहीं पे सी बोला है कहीं पे के बोला है, डजंट मैटर रियली. हमारे पास दो केसेस है. केस वन, अब देखो क्या है ना, ये थीटा डी थीटा मतलब थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, एक्चुअली उल्टा है क्योंकि यहाँ पे थीटा इनिशियल ज्यादा होता है अपॉन डी टी इक्वल टू के थीटा वन माइनस थीटा जीरो. थीटा वन आपको पता है और थीटा वन 80 फिर 70 टाइम लग गया 5 मिनट. मैं मिनट में रहने देता हूँ, डजंट मैटर 5 मिनट इक्वल टू के थीटा वन था
एटी सराउंडिंग है थीटा भी तो बराबर। जरूरत नहीं है, व्हाई आई टेल यू, डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। व्हाट इज 0 डिग्री इन केल्विन? 270 डिग्री। व्हाट इज 10 डिग्री इन केल्विन? 10 डिग्री इन केल्विन 283। तो व्हाट इज 283 माइनस 273? व्हाट इज 10 माइनस 0? डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, दैट इज वाई। गुड, यहाँ तक क्लियर? तो यह आ जाएगा 10/5 इक्वल टू के 80 माइनस थीटा 0। तो दिस इज 2 80 माइनस थीटा 0। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। केस टू, केस टू, थीटा 2 आपके पास 70 है, थीटा 3 आपके पास 62 है, ऑफकोर्स डिग्री सेल्सियस में है वो। तो सेम, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा 0। डी थीटा मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 3 अपॉन डी टी इक्वल टू के थीटा 2 माइनस थीटा 0। थीटा 2 70 माइनस 62 अपॉन 5 मिनट इक्वल टू के 70 माइनस थीटा 0। ये आ गया 8/5 इक्वल टू के 70 माइनस थीटा 0। 8/5 इज 1.6, 16/10 ना, तो 1.6 इक्वल टू के 70 माइनस थीटा 0। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्योंकि के हमारे पास है नहीं, पता नहीं कांस्टेंट क्या है, तो डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 था 2 इक्वल टू के 80 माइनस थीटा 0, और ये था 1.6 के 70 माइनस थीटा 0। के कैंसल, 5/4, 5/4। तो 5 और 4 मल्टीप्लाई कर लो, 5 into 70 इज 350, माइनस 5 टाइम्स ऑफ थीटा 0 दिस इज 320, माइनस 4 टाइम्स ऑफ थीटा 0। गुड, इसको यहाँ पे लाओ, 350 माइनस 320 इज 30, ये वहां गया, प्लस हो गया ना, तो -4 थीटा 0 + 5 मतलब थीटा 0। तो सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस आंसर में होना चाहिए। अभी मैंने करके रखा है कैलकुलेशन, 30 डिग्री है, डन। 30 डिग्री इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। वन लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, एंड देन दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी एक क्वेश्चन था जिसमें आपको सराउंडिंग टेम्परेचर पूछा है, तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं था, तो आपने क्या किया, दो इक्वेशन बनाए, दोनों को डिवाइड कर लिया। अब और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, तो लेट्स सी व्हाट इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें मे बी यू विल वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉन्स्टेंट, वो जो के लिखा था उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो लेट अस से इक्वेशन नंबर 2, अ मेटल स्फीयर कूल्स एट अ रेट ऑफ 3 डिग्री पर मिनट, मतलब डी थीटा बाई डी टी, बेसिकली डायरेक्टली डी थीटा बाई डी टी दे दिया आपको, 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट बोल दिया, ठीक है। व्हेन इट्स टेम्परेचर इज, मतलब जब इनिशियल टेम्परेचर जो था, मतलब जो थीटा था, इसको थीटा 1 बोल देता हूँ, जब थीटा था 50 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स रेट ऑफ कूलिंग एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो थीटा 1 बोलो यार, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो ये 1 है, फाइंड इट्स रेट ऑफ कूलिंग, फाइंड इट्स रेट ऑफ कूलिंग मतलब फाइंड आउट व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी 2 एट थीटा 2 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 40 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मतलब थीटा 0 इज 25 डिग्री सेल्सियस। लॉजिकली मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ, आंसर 3 से कम आना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला जितना बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा होता है उतना कूलिंग फास्ट होता है। तो पहले 50 डिग्री था बॉडी का टेम्परेचर, सराउंडिंग था 25, तो कूलिंग है 3 डिग्री पर मिनट। अब बॉडी का टेम्परेचर बोला है 40 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग है 25, तो डिफरेंस हो गया कम, तो कूलिंग का रेट भी हो जाएगा कम। तो
तो आंसर 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से कम ही आएगा। सिंपल, चेक कर लो आएगा कि नहीं। तो फ्रॉम केस वन, यू कैन राइट डाउन डी थीटा बाई डी टी वन ऑफ कोर्स इज इक्वल टू दैट कॉन्स्टेंट के थीटा वन माइनस थीटा जीरो। ये दिया है 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट इक्वल टू के थीटा वन, अगर आपको याद होगा 50 है और ये है 25। तो यू हैव 3, अभी देखो क्या है ये डिग्री सेल्सियस में ना, तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कैंसल, तो पर मिनट आएगा। तो के होता है पर मिनट, व्हाट इज के पर मिनट, तो वैसे अभी मैं लिखूंगा ही, आई एम नॉट राइट इट डाउन। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट 3 इक्वल टू के एंड दैट इज इक्वल टू 25, तो के इक्वल टू 3/25। अब केस टू, यू विल हैव डी थीटा बाई डी टी टू इक्वल टू के इंटू थीटा टू माइनस थीटा जीरो। ये फाइंड ही करना है आपको, के की वैल्यू है 3/25, थीटा टू है 40, ये है 25 ना, 25, तो ये आ जाएगा 3/25 इंटू 15, 3/5 सा 3/5 सा 9/5, 9/5 मतलब 10/18, सॉरी 18/10, 18/10 मतलब 1.8 डिग्री सेल्सियस पर। हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।